नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, पहली याद का कोई मुकाबला नहीं, चाहे वो पहली मार हो या फिर पहला प्यार, जो की तरह दिमाग में चिपट जाता है। ऐसे ही एक याद हमारे दिल में बसी है फिल्म बाजीगर को लेकर। तब मैंने अपने दोस्त के साथ इसे सिनेमा हॉल में देखा था और ये तब से हमारे जहन में इस तरह से रची बसी है कि चाहे जितना भी इसे निकालने की कोशिश करूं, ये निकलती ही नहीं है। जनता ने भी इस फिल्म पर खूब प्यार उड़ेला था। खासकर लोगों ने इस फिल्म में शाहरुख खान के रोल को खूब पसंद किया था। यही वो फिल्म है जिसके बाद शाहरुख सुपरस्टार बनने की ओर बढ़ चले थे। पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी इसी मूवी ने उन्हें दिलवाया था। काजोल और शिल्पा शेट्टी को भी इसी फिल्म ने ही पहचान दी थी। तो आइए आज इसी के कुछ किस्से आपको सुनाता हूँ। बाजीगर एक हॉलीवुड फिल्म 21 बिफोर डाइंग पर आधारित है। इसका हीरो एक विलेन है जो फिल्म की हीरोइन को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। मेकर जिस हीरो के पास भी स्क्रिप्ट लेकर जा रहे थे, वो फिल्म रिजेक्ट कर दे रहा था। कारण था कि कहीं जनता इस रोल के चलते उनसे नफरत ना करने लगे। इस वजह से वो ऐसे किरदारों से बचते थे। जब अब्बास मस्तान ने इसकी स्क्रिप्ट लिखी तो सबसे पहले अनिल कपूर के पास पहुंचे। अब ये एक एंटी हीरो का रोल अनिल आखिर करते कैसे? उनकी टिपिकल बॉलीवुडिया हीरो वाली इमेज को खतरा था। उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि ये सब्जेक्ट बहुत ही रिस्की है। फिर गेंद पहुंची सलमान के पास। मस्तान कहते हैं कि सलमान उस समय राशि प्रोडक्शन की फैमिली फिल्में कर रहे थे, इसलिए वो भी बाजीगर नहीं कर सकते थे। उनके पिता सलीम खान ने अब्बास मस्तान को मना कर दिया था। सलीम साहब का कहना था कि ऐसी फिल्में करना सलमान के लिए अभी बहुत ही जल्दी हो जाएगा। इसके बाद फिल्म अक्षय के पास पहुंची। उन्होंने भी अजय शर्मा को नेगेटिव शेड का किरदार बताकर रिजेक्ट कर दिया। कहते आमिर खान और अजय देवगन ने भी यही वजह बताकर फिल्म रिजेक्ट कर दी थी। जब सभी ने फिल्म रिजेक्ट कर दी, तब अब्बास मस्तान एक नया चेहरा ढूंढने लगे, क्योंकि जिन एक्टर्स को मेकर्स फिल्म में लेना चाह रहे थे वो फिल्म में रिजेक्ट कर रहे थे, और जो एक्टर्स फिल्म में करना चाह रहे थे वो अजय शर्मा के रोल में फिट नहीं बैठ रहा था। फिल्म को प्रोड्यूस किया था वीनस मूवीज ने। वीनस को चार भाई गणेश जैन, गिरीश जैन, चंपक जैन और रतन जैन मिलकर चलाते थे। इनकी ही कंपनी वीनस रिकॉर्ड्स एंड टेप्स फिल्मों का म्यूजिक भी रिलीज किया करती थी। उस समय शाहरुख की दीवाना रिलीज नहीं हुई थी। इसके म्यूजिक राइट्स वीनस के ही पास थे। रतन जैन ने फिल्म के कुछ हिस्से देखे थे। इसमें शाहरुख का काम उन्हें बहुत पसंद आया था। उन्होंने अब्बास मस्तान को उनका नाम सुझाया। दोनों शाहरुख के नाम के साथ आगे बढ़ गए। पिंक पीला को दिए एक इंटरव्यू में रतन जैन ने बताया था कि पहली बार वो सी रॉक होटल में शाहरुख से मिले। उन्होंने बस एक लाइन का आइडिया सुनाया था और शाहरुख ने हाँ कर दी थी। बोले, आई विल डू द बेस्ट, ओनली आई कैन डू द बेस्ट। शाहरुख खान का यह कॉन्फिडेंस देख सब कुछ पहली मीटिंग में ही डिसाइड हो गया। शाहरुख को नरेशन भी नहीं चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने हॉलीवुड की फिल्म 21 बिफोर डाइंग पहले ही देख रखी थी। पर rediff.com के दिए इंटरव्यू में अब्बास मस्तान का कहना था कि उन्होंने शाहरुख को स्क्रिप्ट नरेट की थी। जब उन्होंने शाहरुख को अप्रोच किया तो ये तय हुआ कि स्क्रिप्ट के राइटर्स इसे नरेट करेंगे। शाहरुख का आग्रह था कि खुद अब्बास मस्तान स्क्रिप्ट को नरेट करें। दोनों ने उन्हें बताया भी कि वे अच्छे नरेटर नहीं है, पर शाहरुख माने नहीं। डेट फाइनल हुई, स्क्रिप्ट नरेट की गई। अब्बास मस्तान को लगा कि अभी उनसे कहा जाए कि दो दिन में बताते हैं, पर जैसे ही नरेशन खत्म हुआ शाहरुख उछल पड़े। उन्होंने अब्बास मस्तान को गले लगा लिया और बोले, आप आगे का प्रोसेस स्टार्ट करिए, मैं तैयार हूं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप शाहरुख खान को एक बेहतरीन अभिनेता और बाजीगर को एक बेहतरीन फिल्म मानते हैं, तो आप इस वीडियो को दिल से लाइक कर दें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हम आपके लिए ऐसी ही जानकारियों और मनोरंजन से भरपूर वीडियो बनाते ही रहते हैं। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि फिल्म बाजीगर से पहले शाहरुख खान ने करीब 7 फिल्मों में काम किया था। यह उनकी पहली फिल्म भी थी जिनमें उन्होंने एक नेगेटिव किरदार करके अपने करियर के साथ बड़ा जोखिम उठाया था। शाहरुख खान को फाइनल करने के बाद अब्बास मस्तान ने इस फिल्म के लिए काजोल और शिल्पा शेट्टी को लिया। फिल्म बाजीगर साल 1993 की बड़ी हिट साबित हुई। इतना ही नहीं, इस फिल्म के लिए शाहरुख खान को फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का भी पुरस्कार मिला था। जब उन्हें यह पुरस्कार मिला तो उसी समय भिंडी बाजार में मौजूद अब्बास मस्तान के हुए घर पहुंचे और उन्होंने अब्बास मस्तान के पैर छुए। उन्होंने कहा कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है, इसलिए उन दोनों का आशीर्वाद के बिना वह घर नहीं जा सकते थे। शाहरुख खान ने फिल्म बाजीगर में नेगेटिव किरदार निभाकर लोगों को अपना दीवाना बना लिया था। ये वो दौर था जब एक्टर विलन जैसे किरदारों के निभाने से परहेज करते थे, लेकिन किंग खान ने इस फिल्म में विलन बनकर इतिहास रच दिया था। उस दौरान 2 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 14 करोड़ रुपए की कमाई की थी और मेकर्स को मालामाल कर दिया था। फिल्म की कहानी ऐसी थी कि शाहरुख अपने परिवार का बदला लेने के लिए काजोल और शिल्पा शेट्टी के पिता से टकराते हैं। इस टकराव के बीच उन्हें शिल्पा शेट्टी के किरदार को जान से भी मारना पड़ता है। हालांकि करियर के शुरुआती दौर में ऐसा किरदार निभाना शाहरुख के लिए आसान काम नहीं था, लेकिन शाहरुख ने यह बड़ा रिस्क लिया और फैंस का दिल जीत लिया। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। शाहरुख के करियर के लिए तो यह फिल्म मील का पत्थर साबित हुई थी। उस वक्त के हिसाब से किसी फिल्म का इतना कमाई करना बहुत बड़ी बात थी। फिल्म में शाहरुख को एक नई पहचान दी थी। फिल्म में शाहरुख, काजोल और शिल्पा शेट्टी दोनों के साथ रोमांस करते नजर आए हैं। फिल्म के गाने और कहानी दोनों को ही काफी पसंद किया गया था। बाजीगर से सिर्फ शाहरुख को ही फायदा नहीं हुआ था, बल्कि काजोल की ये पहली ऐसी फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर अपार सफलता हासिल की थी। फिल्म का गाना ये काली काली आंखें में उनकी शानदार परफॉर्मेंस को दर्शकों ने काफी पसंद किया था। इस फिल्म के बाद शाहरुख खान की पहचान बाजीगर के तौर पर होने लगी थी। इस फिल्म के डायलॉग आज भी लोगों की जुबान पर है। फिल्म की कहानी, एक्टर्स और डायरेक्शन के साथ साथ इसको हिट करवाने में इस फिल्म के संगीत का भी बड़ा हाथ है। फिल्म के गाने जबरदस्त पॉपुलर हुए थे। ऐ मेरे हम सफर और बाजीगर ओ बाजीगर जैसे गानों ने तो उस दौर में धूम मचा दी थी। इन गानों को अनु मलिक ने बनाया था। फिल्म बाजीगर से शिल्पा शेट्टी ने अपने करियर की शुरुआत की थी और इसके लिए उन्हें 2 फिल्मफेयर नॉमिनेशन भी मिले थे, जिनमें से पहला नॉमिनेशन था बेस्ट न्यू फेस के लिए और दूसरा नामांकन था सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए। शिल्पा शेट्टी ने फिल्म में काजोल की बहन का रोल प्ले किया है। बाजीगर के दिनों को याद करते हुए शिल्पा शेट्टी ने एक रियलिटी शो पर बताया था कि फिल्म की शूटिंग के दौरान वो काफी नर्वस थी। ऐसे में शाहरुख खान उनकी बहुत मदद किया करते थे। शिल्पा ने यह भी बताया कि हम फिल्म का गाना ऐ मेरे हम सफर की शूटिंग कर रहे थे और इस गाने के बोल पर मुझे लिप सिंक करना था, लेकिन मैं इसे ठीक से नहीं कर पा रही थी। ऐसे में शाहरुख ने एक जेंटलमैन की तरह इस गाने के बोल को पकड़ने में मेरी मदद की थी और सही तरीके से लिप सिंक करने की टेक्निक भी बताई थी। इसके बाद से ही मैं अच्छी तरीके से इस रोल को निभा पाने में कामयाब हुई। इस फिल्म के एक सीन में शिल्पा शेट्टी ने स्विम सूट पहने थे, जिसका उस दौर के कई फिल्मी पत्रिकाओं ने उनकी आलोचना करते हुए लिखा था कि शिल्पा भी उन्हीं अभिनेत्रियों में अपनी गिनती करवाने की कोशिश कर रही है जिन्हें बोल्ड दृश्य करने से कोई परहेज नहीं है। इसके जवाब में शिल्पा शेट्टी ने कहा था कि भारतीय फिल्मों में 50 के दशक से ही स्विम सूट पहनने का रिवाज रहा है, तो उन्होंने ऐसा क्या नया कर दिया कि उनकी इतनी आलोचना हो रही है। वहीं बाजीगर के शूटिंग को लेकर डायरेक्टर अब्बास मुस्तान ने एक शानदार खुलासा किया है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि जब फिल्म में शिल्पा शेट्टी के मौत का सीन शूट हो रहा था, तब काजोल सेट पर जोर जोर से ठहाके लगाने लगी थी। डायरेक्टर जोरी अब्बास मुस्तान के मुताबिक जब यह फिल्म बन रही थी तब काजोल और शिल्पा दोनों सिर्फ 17 साल की थी। फिल्म में एक सीन है जहां शिल्पा शेट्टी के किरदार को धक्का दिया जाता है और वो छत से गिरकर मर जाती है। शिल्पा फिल्म काजोल की बहन है, ऐसे में जब उसे पता चलता है तो उसे सीन में रोना था और शाहरुख को उनको सांत्वना देना था, लेकिन हमारे लिए मुश्किल ये थी कि जब काजोल ने शिल्पा को जमीन पर लेटे हुए देखा तो वह अपनी हंसी रोक नहीं पा रही थी और लगातार हंसे जा रही थी। मुस्तान कहते कि वह सिर्फ 17 साल की थी और मुझे लगता है कि उन्हें सीन समझ में नहीं आया था। हालांकि अब्बास ने उन्हें बीच में ही टोकते हुए कहा कि मुझे नहीं लगता है कि यह उनकी उम्र के कारण था। काजोल ने तब उन्हें बताया था कि सीन में शिल्पा की मौत हो चुकी है, लेकिन वह आंखें खोलकर लेटी हुई थी। अब भला मैं अपनी भावनाओं को कैसे बाहर लाऊं? अब्बास मुस्तान ने बताया कि इसके बाद सीन को फाइनल करने के लिए उन्होंने 4 कैमरे का एक सेटअप तैयार किया और काजोल को उस सीन की अहमियत समझाई गई। हमने उनसे कहा कि कल्पना करो कि जमीन पर पड़ी मृत लड़की तुम्हारी छोटी बहन तनिषा है। अगर तुमने अपनी सगी बहन को खून से लथपथ देखा है तो तुम क्या करोगी? इसके बाद
वो तुरंत रोने लगी। वह इस कदर रो रही थी कि कार में बैठने के बाद भी वह सिसकती रही। हमने तब सिर्फ एक टेक में ही शॉट को पूरा कर लिया था और इस तरह से जो सीन में था वह बिल्कुल स्वाभाविक बन पड़ा था। डायरेक्टर जोड़ी ने बताया कि जब उन्होंने काजोल को साइन किया था तब एक्ट्रेस की डेब्यू फिल्म बेखुदी रिलीज भी नहीं हुई थी और वो उसकी शूटिंग कर रही थी। दोनों बताते कि जब हम काजोल से मिलने उनके घर पहुंचे तो वह कुछ लिख रही थी, वह नेचुरल थी। जब हमने उन्हें फिल्म में अभिनय करते देखा तो वह एक बच्ची की तरह लग रही थी। इससे पहले रेडिफ से बात करते हुए अब्बास मुस्तान ने बताया था कि शिल्पा का नाम उनके पास वीनस फिल्म्स के जरिए आया था। उन्होंने कहा कि हमें बताया गया कि एक लड़की है जो फिल्मों में काम करना चाहती है और हम इस फिल्म में एक ऐसी लड़की को लेना चाहते थे जिसकी पहले से कोई इमेज ना हो, क्योंकि अगर सीमा चोपड़ा के रोल में किसी बड़ी स्टार को कास्ट करते और शाहरुख उसे छत से फेंक देते तो लोग उससे सहानुभूति रखने लगते, जबकि हम ऐसा नहीं चाहते थे। दोस्तों, बतौर लीड एक्टर शाहरुख खान की यह पहली सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी और फिल्म इंडस्ट्री को मिल गया था एक ऐसा सुपरस्टार जो आज भी सिनेमा घरों में अपनी हजार करोड़ की फिल्मों के जरिए दस्तक दे रहा है। दोस्तों, आप जानते हैं शाहरुख खान चाहते तो इस फिल्म में कई लोगों से इंस्पायर हो सकते थे और उनके सामने कई एक्टर्स थे, मसलन अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, राजेश खन्ना और न जाने कौन कौन। मगर शाहरुख खान की खास बात यह थी कि उन्होंने एक अपने स्टाइल का इजाद किया था बाजीगर में। जी हाँ, उनका अपना स्टाइल था जो किसी से भी इंस्पायर्ड नहीं था। दोस्तों, मेरे हिसाब से काजोल की एक्टिंग शानदार थी, नो डाउट अबाउट दैट। एक बहुत ही अहम किरदार था वो, मगर इस फिल्म में शिल्पा शेट्टी उनसे कहीं ज्यादा खूबसूरत दिखती है। और क्या आप जानते हैं कि शिल्पा शेट्टी का जो रोल था वो पहले किसको ऑफर हुआ था? श्रीदेवी को। यस, श्रीदेवी को। इनफैक्ट अगर आप उस वक्त शिल्पा शेट्टी को देखेंगे तो आपको इस बात का अंदाजा होगा कि शिल्पा शेट्टी श्रीदेवी की एक्टिंग स्टाइल बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड थी। और आप जानते हैं इस फिल्म में एक और अहम किरदार था, वो था जॉनी लीवर का। इस फिल्म में जॉनी लीवर का एक कॉमेडियन का किरदार था और यकीन मानिए दोस्तों, एक अरसे बाद उस वक्त मुझे याद है कि मैंने एक ऐसी फिल्म देखी थी जिस फिल्म में कॉमेडियन का इतना जबरदस्त रोल था, इतनी जबरदस्त पकड़ थी उस फिल्म में जॉनी लीवर के रोल की कि वो जब भी स्क्रीन पर आते थे तो आप पेट पकड़कर हंसने लगते थे। उनका एक एक सीन तो गजब का था और सबसे गजब की बात यह थी कि उनमें से ज्यादातर सीन जॉनी लीवर ने खुद से इंप्रोवाइज किए थे। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया ना कि यह फिल्म इंस्पायर्ड थी किस बिफोर डाइंग से और अब्बास मस्तान चाहते तो हूबहू उस फिल्म की कॉपी कर सकते थे, मगर उस फिल्म का फील काफी वेस्टर्नाइज था। मगर बावजूद उसके अब्बास मस्तान ने इसे एक बहुत ही स्टाइलिश तरीके से बनाया, इसे एकदम से अलग हटकर बनाया, जो कहने को किस बिफोर डाइंग से इंस्पायर्ड थी मगर फिर भी उससे जुदा थी। और क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म को स्टाइलिश बनाने में दो चीजों का अहम किरदार था? एक था फिल्म की फोटोग्राफी और दूसरा था फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर जो दिया था अनु मलिक ने। इनफैक्ट अनु मलिक ने इस फिल्म का जो संगीत भी दिया था और उसके सारे गाने उस वक्त चार्ट बस्टर साबित हुए थे। मगर बैकग्राउंड म्यूजिक, दोस्तों आप जाके उस फिल्म को दोबारा देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि बाजीगर का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो पूरी तरह से ओरिजिनल था। और न सिर्फ ओरिजिनल था बल्कि आज भी अगर आप बाजीगर के बैकग्राउंड स्कोर को किसी फिल्म में उतार देना तो वह बिल्कुल भी जुदा नहीं होगा। इनफैक्ट बाजीगर के बैकग्राउंड स्कोर को बाद में किसी फिल्म ने यूज ही नहीं किया गया था। शानदार बैकग्राउंड स्कोर था, शानदार फोटोग्राफी थी और जो पूरी फिल्म की फिल्म थी ना वो भी बहुत शानदार थी। फिल्म का जो कैमरा वर्क था, शाहरुख खान की आंखें, इनफैक्ट शाहरुख खान की आंखें जो होती है ना वो दो तरह की होती है, एक तो हल्की सी भूरी आंखें और एक ब्लैक। एक सीन था कि दिलीप ताहिल यानी कि मदन चोपड़ा उनसे मिलने आ रहे होते हैं तो उनका जो एक आईलेंस होता है वो गिर जाता है और जब शाहरुख खान आंखें खोलते हैं ना और जब स्क्रीन या कैमरा उन्हें कैप्चर करता है और जब बड़े पर्दे पर आप शाहरुख खान की शक्ल देखते हैं ना तो माइंड ब्लोइंग दोस्तों, माइंड ब्लोइंग। और फिल्म का क्लाइमेक्स के बारे में क्या ही कहना। मैं आपको बता सकता हूं कि भारतीय फिल्मों के इतिहास में सबसे ज्यादा वायलेंट, सबसे हिंसक क्लाइमेक्स में शामिल है इस फिल्म का नाम। इतनी वायलेंस, इतनी हिंसा मैंने किसी फिल्म में नहीं देखी, इसलिए बाजीगर को ए सर्टिफिकेट मिली थी। एडल्ट फिल्म थी और इतना वायलेंस आपने कभी नहीं देखा होगा, यानी कि रोंगटे खड़े कर देने वाला वायलेंस, आपका पेट चरमरा जाए ऐसा वायलेंस। खासतौर से मैं वो सीन नहीं देखता हूं जब मदन चोपड़ा
मेरे ख्याल से एक चाकू या कोई एक नुकीली सी चीज घुसा देता है शाहरुख खान के पेट में, और शाहरुख खान हंसते हुए उसकी तरफ दौड़ता है और उसे अपने गले से लगा लेता है। तो वह नुकीली चीज होती है ना, वह आधी शाहरुख खान के पेट में होती है और आधी मदन चोपड़ा यानी कि दिलीप ताहिल के पेट में होती है, और फिर वो ऊपर से गिर जाते हैं। गजब का वायलेंस, और फिल्म के क्लाइमेक्स में शाहरुख खान और दिलीप ताहिल की एक्टिंग तो लाजवाब है। जिस तरह से शाहरुख खान हंसता है, चिल्लाता है मदन चोपड़ा, उफ गजब का है। बाजीगर में एक और रोल था जो बहुत शानदार था, वो था शाहरुख खान की माँ यानी कि राखी का रोल। राखी एक ऐसे औरत का किरदार निभाती है जो सदमे में है, जिसके पति को दिलीप ताहिल यानी कि मदन चोपड़ा ने मार दिया है और वो एक सदमे में जी रही होती है। राखी ने वह किरदार बखूबी निभाया है, और मेरा मानना है कि माँ का किरदार उन्होंने बाद में एक बार फिर निभाया था करण अर्जुन में। आपको याद है ना उनका वो फेमस डायलॉग, मेरे करण अर्जुन आएंगे। तो कहने को तो वो रोल भी बहुत फेमस हुआ था, मगर राखी ने इस किरदार में भी जान भर दी थी। एक ऐसी औरत जो सदमे में जी रही है, जो ठीक से बोल भी नहीं सकती, इस रोल को राखी ने बहुत ही शानदार ढंग से निभाया था। शानदार एक्टिंग शाहरुख खान की, नो डाउट नंबर वन काजोल, जॉनी लीवर, दिलीप ताहिल, राखी, शिल्पा शेट्टी, फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर, अनु मल्लिक का म्यूजिक और अब्बास मस्तान का डायरेक्शन, एक स्टाइलिश फिल्म, शानदार फिल्म। और आप में से जिन लोगों ने नहीं देखी है ना फिल्म, आप जरूर जाकर देखिए उस फिल्म को, आज भी आपको यह फिल्म रिफ्रेशिंग लगेगी। और जिन्होंने कई सालों से नहीं देखी ना, तो भैया आप भी देखो। तो ये रही छोटी सी जानकारी फिल्म बाजीगर के बारे में। ये जानकारी आपको कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमें जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे अभी के अभी कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।